Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. गाइज आपको तो पता है कि हमको गाइज WWE के रेसलमेनिया बैकलैश 22 के इवेंट में गाइज मैच दिखने वाला है फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप यूनिफिकेशन मैच बिटवीन द रॉ टैग टीम चैंपियंस आरके ब्रो वर्सेस द स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस द उसोस। तो आज के सबसे हम यही बात करने वाले हैं कि किसके सबसे ज्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं ये मैच में जीतने के एंड वॉकआउट करने के एज द न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियन। सो गाइज पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले। अगर आप इसमें मेरा बैकलैश के बड़े वाले मैच के बारे में कुछ चीजें जानना चाहते हो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो गाइस अगर मैं पर्सनली एक सही बात बोलूं तो गाइस रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर के चैंपियनशिप यूनिफिकेशन मैच से ज्यादा गाइस ये मैच ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। हमको रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के मैच में पता था कि गाइस मोस्ट प्रोबेबली जो रोमन रेंज है गाइस वही हमको जीतते हुए दिखने वाला, लेकिन गाइस ये मैच में गाइस आप बोल रहे किसके भी जल्द दोनों के चांसेस सेम बनते हैं क्योंकि गाइस जो आरके ब्रो है गाइस वो एक फैन फेवरेट टीम है और वो टीम है गाइस रैंडी ऑर्टन जो एक बहुत ही बड़े लेजेंड है WWE में, और दूसरी साइड है गाइस द उसोस जो लोग गाइस रोमन रेंज के सारे पैर है और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैग टीम है ये जनरेशन में, यानी कि इस दोनों के ही चांसेस सेम बनते हैं। इसलिए मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच से ज्यादा गाइस ये मैच में गाइस ज्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। गाइस अगर आप भी ये मान मानते हो गाइस कमेंट करके बोले कि आपको भी ये बात सही लगती है। सो गाइस हम बात करके किसके सबसे ज्यादा चांसेस बन रही है मैच में जीतने के। गाइस मैंने जैसे बोला गाइस कि आरके ब्रो एक फैन फेवरेट टीम है, ये टीम है रैंडी ऑर्टन जो बच्चे गाइस वो आरके ब्रो से गाइस बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। सब देखते रह गए कि कभी भी गाइस रैंडी ऑर्टन और रिडल की एंट्रेंस होती है गाइस जो बच्चे ऑडियंस है ना वो सोचते हैं सब ऑडियंस चीयर करते हैं, लेकिन जो बच्चे ऑडियंस है गाइस वो कितना प्यार करने लग गए। गाइस हम लोग टीवी पे भी देखते हैं तो बच्चे ऑडियंस है गाइस वो आरके ब्रो के टी-शर्ट्स भी पहन के आते हैं, इतना वो प्यार करते हैं रैंडी ऑर्टन और रिडल से। तो किसके हम लोग बोलेंगे सबसे ज्यादा चांस बनने वाले हैं, क्योंकि उनकी एक ही चीज बड़ी बनती है कि दो बड़ी चीज की वो द रोमन रेंस के साथ पैर है अभी फिलहाल, इसलिए वो स्ट्रांग बुक्ड होता है, और सेकंड की वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम है। तो मैं किसको अभी फिलहाल पिक कर रहा था, मुझे लगता है गाइस कि जो रैंडी ऑर्टन रिडल की टीम है गाइस वो हमको मोस्ट प्रोबेबली द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बनते हुए देखने वाले, क्योंकि जो रिडल टीम एक फैन फेवरेट टीम है और जो WWE गाइस भी बहुत फायदा होगा अगर गाइस रैंडी ऑर्टन और रिडल की टीम जीतते हैं, क्योंकि हमको मोस्ट प्रोबेबली हेल इन अ सेल में रीमैच तो दिखने वाला है, और प्लस गाइस WWE को जो मर्चेंडाइज मैच चल रहा है बच्चे ऑडियंस है गाइस वो और खुश होकर और WWE से जो मर्चेंडाइज है आरके होगा वो भी खरीद सकते हैं, क्योंकि WWE का बहुत ही ज्यादा फायदा होगा मर्चेंडाइज में बिजनेस के इसमें। इसलिए गाइस WWE मोस्ट प्रोबेबली हमको रेसलमेनिया बैकलैश इवेंट में जो कि गाइस हमारी आरके ब्रो है जो कि रैंडी ऑर्टन और रिडल है गाइस वो मोस्ट प्रोबेबली हमको जीतते हुए दिखने वाले है WWE के अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस, यानी वो हमको स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस उसको हरा के बनते हुए दिखेंगे द न्यू स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस एंड स्टिल रॉ टैग टीम चैंपियंस, यानी वो बनेंगे द न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियंस एट रेसलमेनिया बैकलैश 22। और गाइस अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक, और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।